चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब सरकार राज्य का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लगातार नए फैसले ले रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए लोगों को सामान के बदले असली बिल लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस ऐप पर सामान का बिल अपलोड करने वालों को 10,000 रूपये तक के इनाम भी मिलेंगे। मेरा बिल ऐप पंजाब सरकार की एक नई कोशिश है राज्य में टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस नई ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए कंज्यूमर 10,000 रूपए तक का इनाम भी जीत सकते हैं। इनाम जीतने के लिए मेरा बिल ऐप पर ग्राहकों को अपने सामान का बिल अपलोड करना होगा। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने हमारे टैक्सेशन डिपार्टमेंट एक नई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, एक नई स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत जो हमारी नई ऐप है उसका नाम है मेरा बिल। मेरा बिल ऐप में हमने एक नई स्कीम लाए हैं कि बिल ले आओ इनाम पाओ, बिल लेके आओ और इनाम पाओ। ये इससे मैं समझता हूँ पंजाब के जितने भी कर पे करने वाले या जितने भी हमारे कंज्यूमर हेड पे हैं, जितने भी कस्टमर हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। और ज्यादा से ज्यादा इनाम जो हमने रखा है वो 10,000 तक रखा है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इस ऐप से 3 बड़े फायदे होंगे। रेवेन्यू में फायदा होगा और दूसरा मैं समझता हूँ चोरी खत्म होगी और तीसरा लोगों को अच्छी बस्ते मिलने लगेंगी, लोगों के साथ कोई धोखा नहीं होगा। वित्त मंत्री ने ऐप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि टैक्सेशन डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार की गई ऐप लोगों को सामान के असली बिल्स के प्रति जागरूक करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने GST से संबंधित अधिकारियों की मीटिंग लेने के बाद मेरा बिल नाम की ये ऐप लॉन्च की। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इससे राज्य में टैक्स चोरी बंद करने में मदद मिलेगी और टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जो भी आदमी परचेज करेगा वो जब अपना बिल मेरा बिल ऐप पे डालेगा तो उसको एक तो पता चल जाएगा कि जो दुकान है या शॉप है जो भी बेच रहा है आदमी वो सही बेच रहा है या गलत बेच रहा है। क्योंकि जब वो नकली बिल होगा तो तुरंत डिपार्टमेंट वाले पकड़ लेंगे। जो बिल नहीं देगा दुकानदार, जो भी शिकायत आएगी तो तुरंत उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और जो भी फर्जी जाली बिल देगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जो बस्ते या जो प्रोडक्ट है जो गलत बेचेगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई। वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब में टैक्स की चोरी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंज्यूमर्स के लिए लाए गए स्कीम पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि अगर किसी ने 200 रूपए का सामान खरीदा है तो उस पर 5 गुना यानी 1,000 रूपए तक का इनाम दिया जा सकेगा। पहला ड्रॉ 7 अक्टूबर को निकाला जाएगा। 10,000 तक हमारा इनाम होगा और हरेक मंथ एवरी मंथ में वो हम जो फर्स्ट वीक होगा उसमें हम इनाम निकालेंगे। और इससे हमारा जो टीचा है कि जितने भी हमारे कंज्यूमर है उनमें अवेयरनेस पैदा करना और दूसरा जहां भी टैक्स की इवेजन हो रही है, टैक्स की चोरी है, उसको खत्म करना, इससे मैं समझता हूं पंजाब के टैक्सेशन डिपार्टमेंट को, पंजाब सरकार को बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस ऐप की वजह से दुकानदार बिल देने से बच नहीं सकेंगे और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। हालांकि योजना में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बिल शामिल नहीं होगा। देखिए कंज्यूमर को इतना ये फायदा होगा कि जो नकली फर्जी चीज मार्केट में बिकती थी उस पर बहुत बड़ी रोक लगेगी। असली बिल होगा तो उसका आगे लकी ड्रा है, लकी ड्रा में उसको इनाम मिला तो 10,000 तक उसको फायदा होगा। मेरा बिल स्कीम के तहत हर महीने 29,00,000 रूपए तक के इनाम दिए जाएंगे, यानी सरकार हर साल लगभग 3.5 करोड़ रूपए खर्च करेगी। हर महीने के पहले हफ्ते में ये लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और एक व्यक्ति एक महीने में एक ही इनाम ले सकता है। जिन उत्पादों पर वैट लगता है उन पर यह स्कीम लागू नहीं होगी। इसमें कम से कम हमारे 29,00,000 रुपए पर मंथ इसका खर्चा आएगा और साल में 3 करोड़ 50 लाख रुपए का खर्चा आएगा। चीमा के मुताबिक मेरा बिल स्कीम पर जितना खर्च होगा उससे 20 गुना ज्यादा कमाई होने की संभावना है। इस अवेयरनेस ड्राइव से पंजाब के हमारे टैक्सेशन डिपार्टमेंट को कम से कम 20 गुना फायदा होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इस ऐप का उद्देश्य अधिक GST प्राप्त करना है। चीमा ने बताया कि पंजाब का GST कलेक्शन काफी कम है
पंजाब में जीएसटी कलेक्शन हरियाणा के मुकाबले केवल 1/4 है। टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के अनुसार हरियाणा को एनसीआर का काफी फायदा मिलता है, जबकि पंजाब को लैंड लॉक्ड स्टेट होने और पड़ोसी पहाड़ी राज्यों में टैक्सों में छूट होने का नुकसान हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने बीते 1 साल में इस ओर काफी ध्यान दिया, जिससे जीएसटी कलेक्शन 26% से अधिक बढ़ा है और इसके और ज्यादा बढ़ने की भी संभावना है। वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि सरकार टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लगातार प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।